what is electromagnetic induction. Electromagnetic induction, the phenomena in which induced EMF produced in a coil due to change in magnetic flux is called electromagnetic induction. Electromagnetic induction उस फिनोमेना को कहते हैं जिसमें इंड्यूस ईएमएफ कॉइल में प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होते हैं यही चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस कर देते हैं ईएमएफ इन द कॉइल. अगर इसके बैकग्राउंड की तरफ मैं जाऊँ तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड अपने इर्द गिर्द. ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था और ये 1819 में बाज बुक में 1820 लिखा है. ओरेस्टेड ने ये डिस्कवर किया था, ओरेस्टेड ने, कि करंट जो है ना ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देते हैं और इसको हम कहते हैं जो करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देते हैं द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं. अब फ्रॉम नेचुरल लॉ सिमेट्री, अगर इलेक्ट्रिक करंट में इतना ताकत है कि वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकते हैं तो फेराडे ने 1831 उसने फ्रॉम नेचुरल लॉ सिमेट्री से इस बात को प्रूव कर दिया कि अगर इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की सलाहियत है तो फिर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड में भी ये ताकत है कि वो इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस कर दें और इस फिनोमेना को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. और इसको बाकायदा तौर पर उसने इस चीज़ की डिस्कवरी कर दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को. ये किसने किया? ये फेराडे ने किया था. ये फेराडे ने किया था 1831. अब फेराडे ने क्या किया था? फेराडे ने एक कॉइल लिया और इसके साथ उसने एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया. अब दूसरे साइड पर उन्होंने एक स्टेडी डीसी सोर्स लिया. अब जब स्टेडी डीसी सोर्स लिया विदाउट रिओस्टेट तो ये करंट क्या कर देता है? ये अपने मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस कर देते हैं. अगर आप रिओस्टेट हम क्यों यूज़ कर देते हैं, अगर लेट्स सपोज रिओस्टेट को मैं रिमूव कर देता हूँ, ये रिओस्टेट को मैं रिमूव कर देता हूँ और डायरेक्ट सिंपल इसको हम डीसी करंट सोर्स सप्लाई कर देते तो क्या होगा? तो ये कांस्टेंट करंट यानी स्टेडी डीसी करंट फ्लो कर देगा और ये स्टेडी डीसी करंट जो है ना ये तो नॉट, इसका जो चेंज इन करंट है वो तो ज़ीरो है. तो इसकी वजह से हमारे पास चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो ज़ीरो प्रोड्यूस होगा क्योंकि ये तो मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस कर देते हैं लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड है, वो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. तो जब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि आपके पास चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स वो ज़ीरो है. जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल से पास होते हैं वो स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल में करंट को इंड्यूस नहीं कर सकती. तो यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर हम अगर रिओस्टेट को कनेक्ट कर दें तो रिओस्टेट को जब कनेक्ट कर दिया तो रिओस्टेट का काम क्या है? ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है. रिओस्टेट का काम क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस है. तो अगर आप रेजिस्टेंस को चेंज कर देते हैं तो इससे क्या होगा? करंट चेंज होगा. जब आप करंट को चेंज कर देंगे तो क्या होगा? तो ये करंट चेंज करने से चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस कर देते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसी तरह इस कॉइल से पास होंगी, इसी तरह पास होंगी इस कॉइल से, इसी तरह ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगे. ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास कर देगा, ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को इंड्यूस कर देगा. इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये तो चेंजेस हो गया, जब ये कॉइल से पास होंगी तो इसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं. तो ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जब इस कॉइल से पास होंगी तो ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पर डिप्रेशन शो कर देगा और गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? करंट को डिटेक्ट करना है. तो यहाँ पर ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर देते हैं? ये ईएमएफ को इंड्यूस कर देते हैं. तो इस फिनोमेना को वो अमल जिसकी वजह से चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ईएमएफ कॉइल में इंड्यूस हो जाती है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं. और इसको 1831 में फेराडे ने इस चीज़ की डिस्कवरी कर दिया.